अकाली फौजां दे जरनैल श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार जथेदार अकाली बाबा फूला सिंह उन्होंने 200 साल शहीदी शताब्दी सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया महान योध्यां नूं याद करदियां दिल्ली फतेह दिवस के संबंध च अज दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों श्री अकाल तख्त साहब श्री अमृतसर साहब की धरती तो धन गुरु ग्रंथ साहब जी की छतर छाया ते पंज प्यारे साहबाना की रहनुमाई च महानगर कीर्तन जिहड़ा खालसा मार्च आरंभ हो रहा है जिहदे विच हरियाणा सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी कार सेवा वाले महापुरश निहंग सिंह जथेबंदियां दमदमी टकसाल संपरदावां सारे का सहयोग कर रहे हैं तो उन्होंने महान योध्या जरनैलों नूं याद किया जा रहा। अज हरियाणे दे विच गुरद्वारा मंजी साहब अंबाला विखे रात नूं नगर कीर्तन ठहरेगा। पंजाब दीआं वख-वख थावां तों हुंदा होया ते कल नूं अंबाला तों आरंभ हो के गुरद्वारा मंजी साहब तों इह दिल्ली पहुंचेगा। फिर उत्थे दिल्ली फतेह दिवस दिल्ली दे लाल किले ते महानगर कीर्तन आकीर्तन दरबार होवेगा। खालसाई खेडां होणगीआं और उत्थे जिहड़े सिख इतिहास के जिहड़े जा दर्शाउंदे प्रोग्राम जिहड़े आ उह संगतां नूं नौजवानां नूं सिक्खी नाल जोड़न वास्ते पेश कीते जाणगे। मैं इस दी दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं वधाई दिंदा कि उन्होंने सरदार कालका साहब जिहड़े प्रधान ने और जिहड़े धर्म प्रचार के चेयरमैन पंजाब दे डॉक्टर मनजीत सिंह जी भोमा इन्हां ने बड़ा उद्यम ते उपराला किया इत्थे जिथे सिखी प्रचार प्रसार का इस महान नगर कीर्तन के वास्ते भी उचेचे प्रबंध किए आ। ये सारे वधाई दे पात्र आ जिन्हां ने एडा वड्डा उपराला उन्हां महान योधे जरनैलों नूं जो साडी विरासत आ जो साडे पुरखे आ उन्हां नूं याद करदिआं कीता। अज गुरु रामदास महाराज जी के स्थान तो अकाल तख्त साहब से अरदास करके जिहड़ा नगर कीर्तन आरंभ किया गया और इतों लैके जलंधर लुधियाना राजपुरा होंदा आ रात ही अंबाले ठहरना मंजी साहब गुरुद्वारे और कल मंजी साहब तो चल के हरियाणा के वख-वख शहरां च होंदा होया दिल्ली विच पहुंचेगा और दो दिन का उत्थे फतेह मार्च जिहड़ा कढ़िया जाना है। समूह संगतां नूं बेनती करदे हां कि इस नगर कीर्तन के जिहड़े गुरु महाराज की शोभ प्राप्त निशानियां उन्होंने दर्शन करन और वध चढ़ के इस नगर कीर्तन का हिस्सा बन। इतों जलंधर लुधियाना राजपुरा खन्ना और उस तो बाद रात अंबाले स्टे होएगा। अंबाले तो बाद अंबाले हरियाणा के वख-वख शहरों के बाहरों हाईवे तो होंगे हो जी टी रोड तो दिल्ली पहुंचे। असी सिंह संगतों को करांगे जिहड़ी महान जरनैलों की शताब्दी आई है उन्होंने सारे मिलकर बनाइए दो दिन नगर कीर्तन के रूप के दो दिन जरा फतेह मार्च दिल्ली के कड़िया जाता है लाल किला फतेह दिवस जरा मनाया जाता वो भी सारे अपनी शमूलियत पान और जिद गुरु साहब दियाँ सिंह दियाँ वो निशानियां ने जिहड़ियां जंगा युद्धां दे विच इस्तेमाल हुई और निहंग सिंह जथेबंदियां खास तौर पर बाबा बलबीर सिंह जी बुढ़ा दल वालों जो सानू दित्तियां गईयां उन्होंने संगतां नूं असीं दर्शन करवा रहे हैं। पुलिस प्रशासन नाल गलबात होई पंजाब दे लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल पुलिस प्रशासन साडा नाल साथ दे रहा और लॉ एंड ऑर्डर की उन्होंने टेंशन करन की कोई सानू दित्ती है कि कोई टेंशन करन की लोड़ नहीं है। ते अज जिहड़ा नगर कीर्तन हुण किन्ने बजे तों शुरू हो गया? बस हुण आरंभ हो गया अरदास हो गई है हुण इत्थों चाले पा के अकाली बाबा फूला सिंह तक इतों सारे ने पैदल चलना उस तो बाद जी उन्हों का बुढ़ जा उस तो बाद गड्डिया तो जी टी रोड तो होंगे हो जलंधर वाल जाए। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों श्री अकाल तख्त साहब तो अरदास करके महान नगर कीर्तन की आरंभता की गई है जो कि अज शाम गुरद्वारा मंजी साहब विखे अंबाला विखे पहला पड़ा होएगा। सवेरे फिर अगे
नगर कीर्तन की आरंभता होएगी। कल 7 तरीक नूं शाम नूं गुरुद्वारा मजनूगढ़ टिल्ला दिल्ली विखे नगर कीर्तन की समाप्ति होएगी। रस्ते दे विच जगह जगह के उत्ते पड़ा होणगे संगतां वल्लों बहुत जगह के उत्ते धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का स्वागत का और आशीर्वाद लैण का जगह जगह के उत्ते प्रोग्राम रख्या गया है। सो ये महान नगर कीर्तन अकाली बाबा फूला सिंह जी की 200 साल शहीदी शताब्दी सरदार जस्सा सिंह जी रामगढ़िया उन्हां दी 300 साल जन्म शताब्दी नूं समर्पित नगर कीर्तन कढ़िया जा रहा है, जिसका संदेश पूरे पंजाब भर के हरियाणे के दिल्ली के दिता जा रहा है। इतिहास में ताज़ा किया जा रहा है, इतिहास में उजागर किया जा रहा है। 8 ते 9 तरीक न लाल किले के मैदान विखे दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों समूह संगतों के सहयोग के नाल 2 दिन के समागम रखे गए हैं और ये दिल्ली फतेह दिवस के नाते जो 1783 महान जरनैलों ने दिल्ली फतेह की सी उस इतिहास में उजागर करते हुए ये सारे समागम रखे गए। बहुत खुशी की गल है कि दिल्ली गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुख सेवादार कालका साहब अपने सारे साथियों के नाल श्री अकाल तख्त साहब तो नगर कीर्तन दिल्ली में लैके जा रहे हैं, जिहड़ा कि जस्सा सिंह रामगढ़िया जो कि सिखा के महान जरनैल सी और अकाली बाबा फूला सिंह जी 100 साल शताब्दी समर्पित जो शहीदी शताब्दी आ उसनों समर्पित जिहड़ा ये नगर कीर्तन अकाल तख्त साहब तो चल रहा। यह नगर कीर्तन अपने आप दे विच सिखां दे वड्डे प्रचार का एक माध्यम हुंदा, जिस विच असीं याद करते हैं साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब की सरप्रस्ती पंज पैरां दी साहिबान की अगवाई विच नगर कीर्तन चलते हैं। सो बड़ा वड्डा शान ते शौकत दिखाई दे रही है। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी साहब वालों समुची दिल्ली कमेटी के सारे उन्होंने प्रधान साहब समुची जिहड़ी टीम है सब का असीं तहे दिल तों स्वागत भी करते हैं, सहयोग भी करते हैं। गुरु कृपा करे पंथ दे अंदर एकता इतफाक चढ़दी कला बख्शे ते जिन्हां महान योधियां दे दिन मना रहे हैं उन्हां दे दित्ते रस्ते ते असीं चल सकीए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं जसमेन सिंह नोनी सैकटरी दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी, मैं धन्यवाद करना चाहना है SDPC का जिन्होंने अपना सहयोग दिता और अज जो असी यात्रा दिल्ली लेके जा रहे नगर कीर्तन के रूप में देख सकते हो कि इस तक किन्ना उत्साह है संगतों में और किस तरह किन्नी खुशी हैगी है और इस तरह ही सानू मिलजुल के इस तरह नगर कीर्तन कौम लई सानू इहो जिहे कार्य करने चाहिए ने जी। कड़े रोड है इतों अमृतसर तो निकल के असी जलंधर, जलंधर तो लुधियाने खन्ना फिर अंबाले राति स्टे होएगा फिर उतों सवेरे यात्रा दोबारा दिल्ली नूं निकलेगी। सिख संगतां नूं की कहना चाहोगे? मैं सिख संगतां नूं यह कहना चाहवागा कि जिथे जिथे नगर कीर्तन निकल रहा है GT रोड की तरफ तो सब उत्थे दर्शन करन जरूर आन गुरु महाराज जी दे और नगर कीर्तन का हिस्सा बनन। सिमर पिछे चल पांच प्यारे दे पांच प्यारे दे करिए कट दे पांच प्यारे दे करिए